और इस बीच आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं अहमदाबाद की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ है और कल अमित शाह का गांधीनगर में नामांकन है। उससे पहले उनका ये रोड शो, जिसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। अमित शाह का गांधीनगर में नामांकन और उससे पहले उनका ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू ही होने वाला है कुछ ही पलों में, लेकिन उससे पहले उसकी तैयारियां की जा रही हैं। कल उनका नामांकन होना है और उससे पहले लगातार तैयारियां। अमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमोद, इस वक्त रोड शो को लेकर देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, फिलहाल क्या तैयारियां हैं? अमोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है अमोद तक तस्वीरें अभी हम आपको दिखा देते हैं, फिर हम दोबारा अमोद का रुख करेंगे। और देखिए अमित शाह के रोड शो के लिए किस तरह से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की गई है, और गुजरात वो हिस्सा जहां से खुद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गहरा नाता है, उनका गृह नगर है, और वहां पर देखिए बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है। क्षत्रिय विरोध के मुद्दे पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कई नई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने दिल से इस मामले में माफी मांग ली है अपने बयान को लेकर, अब कहीं कोई नाराजगी नहीं है। क्षत्रिय विवाद पर अब तक गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बोला था। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए पहली बार इस विवाद पर अमित शाह बोले हैं। TV9 भारतवर्ष से बोले गृहमंत्री अमित शाह, पिछले चुनाव से बड़ा बहुमत इस बार मिलेगा, गुजरात में 26 में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। गृहमंत्री जी, एक 10 लाख का टारगेट दिया है आपको, कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए, कैसा कहेंगे गांधीनगर से कैसा लगा? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूं, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आम तौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फीजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूँ गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार NDA, उसमें उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा पूरा चुनाव? अब देश भर का भ्रमण करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड। सर, एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है? नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, एक तिहाई देश में बढ़ा। मोदी जी के शासन में नक्सलवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दो साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो। सर, एक आखिरी सवाल बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल, केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही हैं, लगातार प्रचार कर रही हैं, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही हैं लगातार? नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त गांधीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, जरा बताइए, गृह मंत्री अमित शाह ने आपसे बात करते हुए पहली बार क्षत्रिय विवाद को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्योंकि दिल से माफी मांग ली है इसलिए ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये विवाद खत्म हुआ है क्या? कई
क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो तो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री का ये मानना है कि कोई भी बड़ा आदमी अगर उससे कोई गलती हो जाती है और उसकी माफी मांग ले तो विवाद को खत्म माना जाना चाहिए। बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं यहाँ के स्टेट के पुरुषोत्तम रूपाला, और वैसे में जब उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिया है तो वो विवाद खत्म माना जाना चाहिए। और यही कहना था आज गृह मंत्री का, जो सीधा सीधा उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि अब जो है इस पूरे विवाद के लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह बचता नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल गृह मंत्री तीसरी अपनी रोड शो शुरू कर चुके हैं और रानीप जो विधानसभा है वहाँ से शुरू किया है। मैं थोड़ा आपको वो दृश्य दिखाना चाहूँगा जो जिस उनका पूरा काफिला जा रहा है। रानीप का ये वो क्षेत्र है जो जो गृह मंत्री जा रहे हैं, यहाँ से 4 विधानसभाओं को यहाँ कैटर करेंगे। मुख्यमंत्री का विधानसभा यहीं पे है बैजलपुरा, और वहाँ भी वो जा रहे हैं। और इस पूरे रास्ते में तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का ये रास्ता है, 4 विधानसभाओं को वो इसमें कैटर करेंगे। और जितने बीजेपी के समर्थक हैं आप देख सकते हैं किस तरह से रोड से आगे आगे गृह मंत्री जा रहे हैं और पीछे से लोग जो है उनके अभिवादन को लेने के बाद यहाँ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ कि इस पूरे चुनाव में गुजरात में जो एक इशू बना था क्षत्रियों का, उसको लेकर बीजेपी का ये मानना है कि अब वो कोई इशू नहीं रहा और उसको लेकर उनके नेताओं से बातचीत हो गई है और क्षत्रिय समाज अब ज़्यादा नाखुश नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिएगा। आमोद, तो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं वहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है जो शाम 7 बजे तक चलेगा और उसके बाद शाम 8 बजे, रात 8 बजे एक बड़ी रैली होनी है गृहमंत्री की।